हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं। तो अब आज क्या है ना, आज ये देख लो पैकिंग वैकिंग हो गई हुई है। तो अमृतसर का सफर जो है वो हमारा खत्म होने जा रहा है, जो मेरा टूर था वो खत्म होने जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं जम्मू, वापिस वापसी है आज हमारी। तो सामान देख लो पूरा पैक वैक हो गया हुआ है और डॉली से भी आज हमारी आखिरी मुलाकात होगी, तो इसको बड़ा मिस करेंगे यार। इसको ही नहीं मिस करूंगी मैं, सबको मिस करूंगी। जितने भी लोगों ने मेरे को यहाँ प्यार दिया ना, मैं सबको मिस करने वाली हूँ। और वो जो हमें गाड़ी में मिले थे पुल के पास, वो एंड पिंड वाले लोग, तो मैं सबको मिस करने वाली हूँ। तो मेरे को भी मिस करना यार, मेरे को ऐसे प्यार देते रहना जैसे आपने मुझे प्यार दिया है, और मेरे ब्लॉग्स देखते रहना, ठीक है। और मैं अब आपके पास ना सिर्फ जम्मू वाले ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि अब मैं जम्मू जा रही हूँ, तो अब जम्मू वाले ब्लॉग्स बनेंगे। और ये जी, ये मेरा ड्राइवर, ये मेरे को लास्ट आज वहां पे ड्रॉप करेगा और उसके बाद इसको टाटा बाय बाय। मैं छुट्टी दे रही हूँ इसको, पता नहीं कितने दिन की, पर उसके बाद पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। तो मे बी बहुत जल्दी मुलाकात हो। तो यहाँ पे देख लो ये पुतला मेरा, ठीक है, ये भी रेडी हो गया। अब पता नहीं ये पुतला जम्मू में जाके बोलेगा नहीं बोलेगा, पर ना यहाँ पे आके अमृतसर में आके ये पुतला बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया था। होप कि ये आगे भी एक्टिव ही रहे, ठीक है। और क्योंकि पता क्या, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं यार, आप ना ऑटोमेटिकली बोलना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपके पास ना कोई बोलने वाला होना चाहिए, तब जाके इंसान आगे से रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ मैंने जितनी भी जगहें घूमी है, जितना भी जो भी कुछ हुआ है, वो सारे मेरे ब्लॉग्स डाले। तो मेरे ब्लॉग्स को देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो अभी डॉली ने ना मेरे लिए क्या बनाया है वो बताती हूँ आपको। ये देख लो, ये ना दूध बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ इलाची वाला, इसको पता है मैं इलाची वाला दूध पीती हूँ, तो इलाची वाला दूध पीऊंगी मैं, बिस्किट साथ में खाऊंगी और सफर पे चलेंगे। हम लेट हो रहे हैं, बिल्ली के साथ भी मेरी आखिरी मुलाकात है। बिल्ली क्या मिस करेगा मेरे को? ये तब देख पहले मेरी तरफ, अरे अपसेट अपसेट हो गई। ये देखो आखिरी मुलाकात हो रही है। देख लो जी, सामान रखो हो गया गाड़ी में। जोत आखिरी टाइम तो कुछ बोल दे। ओके बाय, बोरा दफा हो यहाँ से, बड़ा सिर खाया है तुमने मेरा, ठीक है। आंटी जी बाय बाय, फिर मुलाकात होगी, मिस यू। मगर आप मेरे को देख रहे हैं, मैं ऐसे पता क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे कैमरा लगा, इसका कंट्रोल आपसे नहीं मिले। आंटी जी आप नहीं गए तो ही रहे। नहीं आंटी जी, अब मिल गए, मैं फिर आऊंगी, ठीक है। अगर फिर मुलाकात होगी, फिर मैंने आपके पास रोटियां खानी है। खा लो आज रात, नेक्स्ट टाइम मैंने आपके साथ रोटी खानी है। मूल वाली रोटी मैंने आपसे पहले क्यों नहीं बताया, मैं नीचे डेरा डाल लेती हूँ। डाल लेते तो अगली बार मैंने नीचे डेरा डालना है। आए नहीं, देखा ये होता है प्यार, तो ही आए नहीं। अगली बार में पक्का, अगली बार मैंने आंटी के पास आना, मैंने और किसी के पास नहीं आना। आंटी ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस देख लो, प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है। फिर आपके मुलाकात होगी, ठीक है। ओके सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चलो जी डॉली, डॉली से आखिरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात नहीं होगी हमारी, मुलाकात होती है इंस्टा पे। अब डॉली आएगी जी, एंड के घुमाएंगे इसको, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय। ये देखो यहाँ पे स्ट्राइक हो गया भाई, यहाँ पे ये देखो। अभी हम आए टिकट काउंटर पे, यहाँ से टिकट लेंगे और फिर गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी आती है जैसे वैसे हम गाड़ी में बैठेंगे और बैक टू जम्मू, टू हॉल गेट के पास। और यहाँ पे क्या है ना कि जितने भी जम्मू से बसें आती है ना, तो वो यहाँ पे हॉल गेट में आके रुकती हैं, फाइनल यहीं पे होता है, और फिर यहाँ से ऑटो वोटो पकड़ के आप लोग कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, बस की तरफ। क्योंकि यहाँ पे ना पार्किंग वार्किंग नहीं है, यहाँ पे खुद ही सब अपना अपना सामान उठाते हैं। ये देख लो, ये देखो पीछे, ये सारे हम बस वाले, तो यहाँ पे अपना अपना सामान खुद कैरी करो और चलो बस की तरफ। हाजिला हमारी, वहाँ से हमारी बस आ रही है, और जैसे जैसे बस आ रही है वैसे वैसे मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को दिल नहीं कर रहा अमृतसर छोड़ने का, पता नहीं क्यों। वो देखो भवानी आ रही है, भवानी, ठीक है। पर मेरे को, मेरा बहुत मोई मोई निकल रहा है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अमृतसर छोड़ के जाऊँ। जो तो बोल रहा मेरे को कैमरे में ला रहा। बस में बैठ चुके हैं, ओके बाय बाय, मिस यू। सबको मेरे प्यार देना और सबको ये बोलना कि वो आपको बहुत मिस कर रही थी। मेरे ब्लॉग देखते रहना, शेयर करते रहना।
वो देखो दोनों वहां से मेरे को बाय बाय कर रहे हैं। चलो जी बाय बाय। ये देखो हमारी भी सो रही है, किसी और है। और मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डेड हो गई थी, फ़ोन मैंने चार्ज पे लगा दिया अपना, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी, मारो उठ गई मॉर्निंग मारो की मॉर्निंग अभी हुई है नींद आ रही है बड़ी, रात को 3 बजे हुए हैं हम। हमें एडिटिंग करनी थी, जो भी था डाटा वगैरह लेना था, तो वो एडिटिंग करके मुझे यहाँ का जो अमृतसर का सारा ब्लॉग जो है वो एडिटिंग करके अपलोड करना था। तो मेरा जो अमृतसर का ब्लॉग, मैं देखो कैसे लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं बर्फ पड़ रही, नहीं सच में यहाँ बहुत ठंडा है। आप बस में भी ट्रैवल कर सकते हो, हर पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे, आप सीट डाउन करके आराम से, जैसे स्लीपिंग सीट होती है वहाँ पे, ऐसे आराम से जा सकते हो। चार्ज आपको कोई टेंशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया हुआ है, ऊपर एसी ऑन है, ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है कुछ भी है, तो बहुत कम्फर्टेबल है। जो लोग हमें मिस कर रहे हैं ना अभी, देखो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमने हम भी मिस कर रहे हैं डॉल जोत हैप्पी हाँ मुझे लगा ही नहीं मैं बस में बैठी हूँ, मुझे लगा मैं वहीं हूँ अभी मेरे नींद खुली, फिर मुझे लगा हाँ मैं बस में हूँ, वापस जा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी अभी सो गई थी थोड़ी देर, फिर उठी मैंने ऐसे जैसे मैं उठी ना, मेरे को लगा कि यार अभी वो डॉली आएगी पानी लेके, डॉली गर्म पानी दो, फिर हम किचन में जाएंगे, फिर हम खाना बनाएंगे, फिर हम घूमने जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हैप्पी को जोत को एडिटिंग करो मेरी, टाइम वेस्ट मत करो आप। फिर उनके बाद उनका मोए मोए हो जाता है जब एडिटिंग की बारी आती है ना, जोत बोलता है हाय दीदी ये बड़ा औखा काम है, ये जोत किस वर्ड्स है ऐसे बोलता है वो। यार आप लोगों को लगता है ना कि एक यूट्यूबर जो है वो बस ऐसे ट्रैवल वेवल करते हैं ये वो, सबसे ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए हमारे लिए, जैसे हम लोग न्यू है ना तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एडिटिंग करना हम लोगों को। मैं सच्ची बोल रही हूँ, पूरी पूरी रात बैठ के हमें एक एक चीज़ शूट करना, वो एडिटिंग करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो फ़ोन भी ना वैसा रिस्पॉन्स नहीं करता है, मतलब हैंग हो जाता है फ़ोन, तो बहुत मुश्किल से एडिटिंग होती है हमारी। तो अगर मैंने आज शूट किया, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ इसमें क्या जो है वो है, ठीक है, ये होता पता क्या है, जैसे मैंने आज शूट किया ना तो मुझे वो एडिटिंग करनी है, तो मुझे ना एटलीस्ट 2 डेज़ तो लग ही जाते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी 2 डेज़ लग जाते हैं मेरे को, 2 या 3 डेज़ भी चले जाते हैं। तो फिर ऐसे करते करते ना फिर लोग वेट करते रहते हैं मेरी वीडियो ब्लॉग का आने का, तो फिर मुझे थोड़ा फील भी होता है कि मैं ब्लॉग बहुत लेट डालती हूँ, पर क्या करूँ यार मेरा फ़ोन वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, इसीलिए फिर मेरे को थोड़ा सा लेट हो जाता है। पर कोई बात नहीं यार, जब मेरा हो जाएगा ना ग्रो करेगा या कुछ भी, तो फिर मैं थोड़ा सा अपग्रेड करूँगी, पर मेरी वैसी है नहीं है यार, इसलिए मैं थोड़ा अपग्रेड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी समझ आओ यार ##। खुद भी आप अंडरस्टैंड कर लो मेरे लिए, तो कर तो रही हूँ थोड़ा सा, मेरा फिर को सपोर्ट करो बस, हो जाएगा ये सब कुछ हो जाएगा, टाइम से हुआ करेगा, पर थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को और कुछ नहीं। मैं सोचा चलो आपसे बातें कर लूँ, कोई है नहीं बातें करने के लिए, मेरा पुतला भी कम बोलता है ना, इसलिए मैं सोच रही थी आपसे बातें कर लूँ, क्या करूँ हाँ बोरे कम नहीं नींद नींद आ रही है इसीलिए। कमेंट करना मेरे को बहुत सारे जो मेरे को मिस कर रहे हैं, दिल से करना अगर सच में दिल से मिस कर रहे हो तो, मैं तो दिल से मिस कर रही हूँ सच्ची कह रही हूँ। ये देखो आप सबके लिए, अमृतसर वालों के लिए ये दिल। अभी हम पहुँच चुके हैं लखनपुर क्रॉस होते ही, मतलब लखनपुर में एंट्री मारते हैं ना, हमारे फ़ोन जो हैं वो ऑन हो गए हैं, तो आप सबको कॉल करेंगे कि हम लखनपुर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से लेंगे पल्ले, फिर यहाँ से पल्ले खाएंगे,
और चलेंगे अपने सफ़र पे आगे की तरफ। अगर आप बस से ट्रेवल करते हो ना तो आपको सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे, 10 मिनट में आप वॉशरूम चले जाओ, पल्ले खा लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। लो जी मैं यहाँ से पल्ले पैक करवा रही हूँ, तो पल्ले हमने यहाँ से ले लिए, फ़ोन आ रहा है, मैं बात कर रही हूँ। हेलो, अभी हम यहाँ पे पल्लों का मज़ा ले रहे हैं, ये लो आप भी। ना हमने किसी के मैसेज नहीं देखा, तुमने देखा? सॉरी यार अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ना मैं थोड़े टाइम पे बड़ी बिजी थी, पर अब जाते हैं मैं सबका रिप्लाई करने वाली हूँ जिन्होंने भी मेरे को यूट्यूब में मैसेज कमेंट किए हुए हैं या फिर मैसेज किया व्हाट्सएप पे, जो भी कुछ है। मैं जाते ही यहाँ बिजी होने वाली हूँ, अब मैं आप लोगों के साथ बिजी होने वाली हूँ, ठीक है? इसमें नाराज़ नहीं होना, मैं पल्ले खा लेती हूँ फिर आपसे बात करते हैं। ये अभी मैं छोटी सी क्लिप डॉली के लिए बना रही हूँ। डॉली मिस यू यार, इस शॉर्ट टाइम पे जो भी प्यार तुम लोगों ने हमें दिया ना वो बहुत है, मतलब हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, पता नहीं, मतलब सोचा नहीं था कि हम अमृतसर आएंगे हमारे साथ ऐसा होगा या इतनी बड़ी फैमिली मिलेगी हम लोगों को जो हमारे साथ मिला, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं यार, फर्स्ट टाइम, और आप लोगों से तो फर्स्ट टाइम मिले, संदीप और से हम तो पहले ही मिले हुए, बट एक 14 साल 15 साल के बाद फिर से मिलना और वैसे ही ट्रीट करना जैसा पहले वो हुआ करते थे बचपन में, पता नहीं आप लोगों को, मैं ना इमोशनली हो गई हूँ पूरी भी ऐसे पागल जैसी। तो ये क्लिप छोटी सी मैं ना तुम्हारे लिए बना रही हूँ स्पेशली, तो यार मेरे को अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करना, सबको ही मिस कर रही हूँ, नानी को कर रही हूँ, मतलब पिंड में जितने भी लोग हैं ना सबको मिस कर रही हूँ, और भाभी सबको मिस कर रही हूँ। लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है, मेरे लिए तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा रखती है, मेरे को कोई छोटी सी ट्रॉफी भी दे देना ऐसे खुशी से मेरे लिए, वो भी बहुत मायने रखती है, मैं वो भी चीज़ याद रखती हूँ कि उसने मेरे को दिल से दिया यार। मतलब डॉली ने भी हमारे साथ, डॉली ने बहुत किया यार, बहुत, मतलब वो छोटी है हमसे यार, बहुत छोटी है हमसे, फिर भी वो सारा सब कुछ देख रही थी, दीदी आपको इसे नहीं चाहिए, दीदी आपको वो तो नहीं चाहिए, मतलब हर चीज़ का ध्यान रख रही थी हमारा, इनफैक्ट मेरी मेडिसिन, मेरे को पानी तक देना, मेरे कभी कभी मेरे कपड़े भी वॉश कर देती थी यार, मतलब हर चीज़ यार, हर चीज़, बाहर जाना है, फन करना, एक बार हैप्पी के लिए, हैप्पी ने मेरे को हर जगह ना वो एक ऐसा ट्रीट दिलवाया ना मेरे को कि जैसे मैं, मुझे ऐसा फील करवाया कि जैसे मैं एक सेलिब्रिटी आई हुई हूँ, वो मेरे को ब्लॉगर साहब चलो, ब्लॉगर साहब रेडी हो गए, ब्लॉगर साहब ये, ब्लॉगर साहब ये, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सच में यार, मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगा कि ऐसा मेरा नाम होगा कि नाम, इतने छोटे कम टाइम में भी ना मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत नाम कमा लिया, बहुत ज़्यादा। ब्लॉग बनाना वो अलग बात है, बट जो वो प्यार मिला ना वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, और ये जो मेरे हम सब के ब्लॉग्स हैं ना, ये मेरे मतलब कि मैं बोलती मेरे चैनल भी डिलीट हो जाएंगे ना, जो भी कुछ हो जाएगा, पर ये मैं कभी भी अपनी लाइफ से डिलीट नहीं करना चाहती हूँ, ये इतनी सी मेमोरीज यार। यूट्यूब वाले जो भी है ना प्लीज़ आप कुछ भी डिलीट करना, पर मेरा ना इतनी सी है अमृतसर की जो मेमरीज है ना वो कभी डिलीट मत करना मेरी, बस मेमरीज बनाइए ना तुम लोगों के साथ, तो वो मेमरीज ज़रूर देखना आप सब, जब जब मेरी याद है ना देखना, ठीक है? ये देखो मेरा पुतला भी रो रहा है, पता होगा मेरा पुतला रोता है, इसके अंदर भी दिल है मेरे पुतले के अंदर, ये देखो उसका दिल। आप देख सकते हैं अभी हम जम्मू पहुँचे हैं यार, अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, तो अभी मेट्रोडोर का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपना जम्मू का दिखाती हूँ, ये देखो ये हमारे जम्मू का चौक, अभी हम बंतला की मेट्रो का वेट कर रहे हैं, बंतला की मेट्रोडोर आ गई है, घर जाके आपसे बात करते हैं। अभी ना हमने ये देखो हमारे यहाँ का ऑटो, इलेक्ट्रिक वाला ऑटो है ना वो होता है हमारे यहाँ पे, और अभी हमने ऑटो ले लिया, अभी जस्ट देखो पता टाइम पता नहीं कितना है, मतलब मुझे लग रहा है एक जस्ट में, हाँ 7 बजे हमने यहाँ से ऑटो लिया, चलिए अब हम घर पहुँच गए हुए हैं। अगर आपको हमारा सफ़र ये अच्छा लगा होगा अमृतसर से जम्मू का, तो अपना प्यार हमें देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।